हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है आपके इस चैनल विवेक मिश्रा श्रेणी चैनल पर। मैं विवेक मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में तीन के तीनों वीडियो साथ साथ पढ़ा रहा हूं बीएससी सेकंड ईयर का। तो चलिए आज बात करते हैं मैथ का। हम लेकर आए डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 2 चल रहा था। पिछले दो वीडियो आप देखेंगे जिसमें हमने 5 तक पूरा का पूरा एक तरफ से क्वेश्चन सॉल्व कराया। और साथ ही साथ आपको बता देना चाहते हैं, मैं कृष्णा पब्लिकेशन से पढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन देखना चाहते हैं, मैं क्वेश्चन आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ पिछले वीडियो का भी, ताकि आप देख सकते हैं। देख रहे हैं क्वेश्चन, दिख रहा है आप लोगों को। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इधर भी क्वेश्चन हमारा नोट कर लीजिए। क्वेश्चन देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बहुत बार पूछा जा चुका है। और ये रहा हमारा आंसर, नोट कर लिए। चलिए अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन के बारे में। छठवें का पहला क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, छठवें का पहला क्वेश्चन। तो इसमें कह रहा है लॉग डी वाई बाई डी इज इक्वल टू एक्स प्लस बी वाई। तो इसको हमें डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन। जब यहां से लॉग हटाएंगे, टेकिंग एंटी लॉग ले लीजिए, टेकिंग एंटी लॉग। जब एंटी लॉग लेंगे तो यहां से लॉग हटेगा, क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ई पावर ए एक्स प्लस बी वाई। इसको लिख सकते हैं ई पावर ए एक्स इंटू ई पावर बी वाई डी वाई बाई डी एक्स। वाई के टर्म में वाई वाला कर लेते हैं, एक्स टर्म में एक्स वाला कर लेते हैं, तो हो जाएगा डी वाई अपान, ये इधर डिवाइड हो जाएगा, ई पावर बी वाई इक्वल टू, ये ई डी एक्स इधर मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, ई पावर ए एक्स इंटू डी एक्स। ये जब ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, ई पावर माइनस बी वाई डी वाई इक्वल टू ई पावर ए एक्स डी एक्स। इधर समझना कैसे हुआ, आप लोग जानते हैं e पावर माइनस बी वाई का डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन e पावर माइनस बी वाई ही होगा, फिर माइनस बी करेंगे वन अपान बी हो जाएगा। तो लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेशन किया जाता है, क्या किया जाता है, इंटीग्रेशन, क्योंकि यहाँ पर डी वाई और डी एक्स लगाए, ठीक, लगाएं या ना लगाएं, लगा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये e पावर माइनस बी वाई क्या हो जाएगा, e पावर माइनस बी वाई होता ही है, फिर माइनस बी वाई करेंगे तो यहाँ पर माइनस बी वन अपान बी हो जाएगा, माइनस वन अपान बी इक्वल टू ई पावर ए एक्स है, ई पावर ए एक्स ही होता है, ए एक्स करेंगे वन अपान प्लस सी, आगे हमारा आंसर, ये हमारा आंसर, ठीक। किताब में देख लेते हैं, इसी प्रकार का आंसर दिया गया है, इसी प्रकार का आंसर दिया गया है आपका, ये आंसर ये है, नोट कर लीजिए छठवें का पहला। अब हम बात करते हैं छठवें के दूसरे के बारे में, समझ में आए वाला। चलिए देख रहे हैं छठवें दूसरा क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक बार आप लोग नोट कीजिए, अपने मन से लगाइए, वन टू थ्री फोर एंड फाइव नोट लगा लिए, वीडियो पुश कर लिया कीजिए और अपने आप से सॉल्व किया कीजिए, कर लिए। चलिए हम सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा बड़ा दिख रहा है और है उतना ही छोटा। कह रहा है एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन प्लस वाई स्क्वायर वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर। इसी को सॉल्व करना है आपको, आप लोग जानते हैं कि वाई वाला टर्म एक तरफ, एक्स वाला टर्म एक तरफ, कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा, y वाला एक तरफ के लिए y पान, ये इधर डिवाइड हो जाएगा वन प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, ठीक, ये बचा डी एक्स, ये x बचा है, x इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा इक्वल टू, और ये डी एक्स नीचे है ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई x डी एक्स। समझ में आया कैसे हुआ, चलिए आगे देखते हैं। बट क्वेश्चन में दिया गया है ये अपान में था, ये अपान में मतलब बटे में करके था, तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा, अपान में था तो वन प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स जाकर नीचे डिवाइड हुआ और यहाँ पर डी एक्स ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर क्या मान लें, लेट मान लेते हैं इसको वन प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टी मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, वन का जीरो वाई स्क्वायर का टू वाई डी वाई इक्वल टू डी टी, या फिर वाई इंटू डी वाई इक्वल टू डी टी वाई टू, ठीक। तो वाई इंटू डी वाई जगह क्या लिखेंगे, डी टी वाई टू, या फिर इसकी जगह लिख लीजिए डी टी वाई टू, वन अपान टू लिख सकते हैं, तो वन अपान वाई स्क्वायर क्या माने हैं टी इक्वल टू। इसको जब हम कर लेते हैं कुछ इस प्रकार
कि वन प्लस एक्स स्क्वायर अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स है, तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं कि वन प्लस एक्स स्क्वायर, एक डिवाइड कर लीजिए, वन प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस एक्स अपान कर सकते हैं वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी, कर सकते हैं नहीं, अलग अलग कर लिया हमने, लेकिन अगर हम ले लेते हैं एलसीएम और फिर वही आ जाएगा वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, कर सकते हैं आराम से, हमने इसे क्योंकि काट कट रहा था, देखिए वन प्लस एक्स स्क्वायर एक्स से एक्स कैंसिल, ठीक, फिर क्या हो जाएगा वन अपान टू तो रहेगा ही, ये हो जाएगा लॉग टी, वन अपान टी का इंटीग्रेशन लॉग टी होता है इक्वल टू, यहाँ पर देख रहे हैं वन अपान एक्स बचा है प्लस, इधर क्या बचा है वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स, डीएक्स से इधर भी मल्टीप्लाई होगा, जब ब्रैकेट हमारा अगर खुलेगा तो डीएक्स से इधर भी तो मल्टीप्लाई होगा, ठीक, आगे देखते हैं, वन पॉइंट टू लॉग टी है तो लिखेंगे वन पॉइंट टू टी की वैल्यू क्या है वन प्लस वाई स्क्वायर, वन प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ये वन अपान एक्स डी एक्स का लॉग एक्स प्लस वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर का, आप जानते हैं ये फार्मूला होता है कि वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर का होता है टेन इनवर्स एक्स, ये आप लोग पढ़ चुके हैं, तो वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस कोई कांस्टेंट हम सी जोड़ देते हैं, हमारा आंसर आ गया, नोट कर लीजिए और क्वेश्चन भी मिला लेते हैं, हमारा आंसर क्या आया है, आंसर हमारा दिया गया है कुछ सही तो आया वही चीज, और बस इसमें क्या दिया गया लॉग सी दिया गया, लॉग वाला टर्म था, लॉग सी जोड़िए आप सी जोड़िए कुछ भी जोड़ो कोई दिक्कत नहीं, ये नहीं है आप सी जोड़ देंगे गलत हो जाएगा, लॉग सी जोड़ दीजिए फिर भी सही होगा, ये हमारा आंसर है, नोट कर लीजिए। अब हम सातवें क्वेश्चन की बात करते हैं, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, चलिए सातवां क्वेश्चन देखते हैं, चलिए इसको देख लेते हैं, सातवां पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ डिवाइड बाय डीएक्स इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस वाई, लेकिन इसमें कंडीशन दी गई है कि एंड इट इज गिवन दैट फॉर एक्स इक्वल टू वन, यह इसलिए दिया गया है या उसके लिए है जब एक्स इक्वल टू वन एंड वाई इक्वल टू वन था, फाइंड वाई इक्वल टू फाइंड वाई, हमें वाई को फाइंड करना है व्हेन एक्स इक्वल टू माइनस वन, जब एक्स इक्वल टू माइनस वन हो जाए तब हमें वाई निकालना है, पहले इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए इंटीग्रेशन सॉरी, तो सॉल्यूशन लिखेंगे, हमको मिला क्या है डीवाई बाई dx equal to e power x plus y, इसको लिख सकते हैं dy by dx equal to e power x plus y है, तो क्या लिख सकते हैं e power x into e power y, चूंकि हम जानते हैं multiply में जो उसका power होता है वो क्या होता है add होता है, गुड़े में घाते जुड़ती हैं, ठीक, e power x into e power y हो गया। अब चलिए देख लेते हैं y y के टर्म कर लीजिए, x x टर्म कर लीजिए, तो dy upon e power y नीचे हो जाएगा equal to e power x, ये dx जाकर इधर मल्टीप्लाई हो गया, ठीक, ये ऊपर चला जाएगा e power minus y dy equal to e power x dx, यहाँ तक समझ में आया, चलिए अब हम e power minus y का differentiation कर लेंगे, e power x कर लेंगे आ जाएगा हमारा, ठीक, चलिए कर लेते हैं इसका, जब हम इसका करेंगे e power minus y differentiation कर लीजिए, सारी integration कर लीजिए, क्या आ जाएगा e power minus y ही रहता है, बट ये हो जाएगा आगे minus y है तो इसलिए आगे ये माइनस आ जाएगा equal to e पावर x का, e पावर x ही रहेगा आगे x करेंगे वो 1 ही रहेगा, तो क्योंकि प्लस में है इसलिए प्लस आएगा, प्लस 1 फिर मल्टीप्लाई कीजिए आप ना कीजिए कोई दिक्कत नहीं है, e पावर x प्लस हम कोई सी जोड़ लेते हैं, क्या जोड़ लेते हैं कोई भी टर्म सी जोड़ लीजिए, हमने कांस्टेंट जोड़ लिया। अब देखते हैं इसका कंपेयर करा देंगे, e पावर माइनस वाई है e पावर x है, तो देख सकते हैं यहाँ पर माइनस तो रहेगा ही, e पावर माइनस वाई है माइनस वाई इक्वल टू, इससे हमसे नहीं मतलब, e पावर x जो हो गया तो ये x हो गया, ठीक, तो माइनस माइनस प्लस y, तो y इक्वल टू x, y बराबर x आया अर्थात x बराबर 1 है y बराबर भी 1 है, अगर x बराबर 1 रखते हो y बराबर 1 आ रहा है, ठीक, ये कंडीशन तुम्हारी सॉल्व हो गई। कह रहा है फाइंड y व्हेन x माइनस y, लिखेंगे व्हेन x इक्वल टू माइनस 1, जब x इक्वल टू माइनस 1 है तो y हमें वैल्यू निकालनी है, तो y बराबर ये जगह क्या लिखेंगे माइनस 1, आप सॉल्व करके देख लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए सॉल्व कीजिए कर लिए, अब हम करते हैं दिए गए x माइनस y का होल स्क्वायर डिवाइड बाय dx इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक, एक बार अपने मन से सॉल्व करने के लिए इसलिए कहते हैं, जैसे आप खुद प्रयास करेंगे ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा,
कि कहाँ दिक्कत आ रही कहाँ नहीं। हम तो यहाँ पर राम कथा सुनाएंगे, आप सुनेंगे बढ़िया से, मतलब छपाएंगे, आप लोग छापेंगे बढ़िया से, हैं। इसलिए कहते हैं अपने मन से एक बार सॉल्व करके देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं, ये दिया गया है एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर। मान लेते हैं इसको, ऐसे तो सॉल्व होगा नहीं, मान लेते हैं इसको, कुछ मान लीजिए लेट एक्स माइनस वाई इक्वल टू टी, वी पुट एक्स माइनस वाई इक्वल टू टी, तो इंटीग्रेट सॉरी डिफरेंशिएशन होता है यहाँ पर, व्हेन वी डिफरेंशिएट तो वी गेट द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स का डिफरेंशिएशन वन होता है, वन माइनस, एंड वाई का डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू द डिफरेंशिएशन ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, व्हाट डी टी अपॉन डी एक्स। अंडरस्टैंड? चलिए आगे देखते हैं, हम डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, इसलिए निकालेंगे क्योंकि वी गेट इन द आवर क्वेश्चन डी वाई बाई डी एक्स, और हम यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स का मान निकाल कर यहाँ पर रख सकते हैं आराम से, तो रख दीजिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स उस साइड ले जाएंगे, ये वाला इस साइड आ जाएगा, तो वन माइनस क्या हो जाएगा डी टी अपान डी एक्स होगा। चलिए अब डी वाई बाई डी एक्स का मान हम ले जाकर इसमें रख देते हैं। चलिए ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लीजिएगा, उससे नहीं मतलब ये वाला फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो पुट कर दीजिए एक्स माइनस वाई जगह टी रख दीजिए टी स्क्वायर, और डी वाई बाई डी एक्स की जगह वन माइनस डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर टी स्क्वायर, यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई टी स्क्वायर, नहीं तो इस प्रकार कीजिए या फिर आप वन माइनस डी टी अपान डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर बाई टी स्क्वायर कर लीजिए। आगे सॉल्व करेंगे इसको, ये क्या आ जाएगा डी टी बाई डी एक्स उस साइड ले जाएंगे, यह आ जाएगा वन माइनस ए स्क्वायर बाई टी स्क्वायर इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम बताइएगा। चलिए अब यहाँ देखें एलसीएम लेंगे क्या टी स्क्वायर एलसीएम जब लेंगे क्या हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू डी टी अपान डी एक्स। यहाँ पर देख रहे हैं टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान टी स्क्वायर बराबर डी टी अपान डी एक्स आ गया। ठीक, इसके बाद आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपके पास एकदम सिंपल तरीका है, आप थोड़ा सा इसको चेंज कर लीजिए, टी वाला एक टर्म कर लीजिए, एक्स वाला एक टर्म कर लीजिए। चलिए देखते हैं, एक्स तो इसमें टर्म दिख नहीं रहा तो एक्स एक तरफ कर लीजिए, एक्स ऊपर आ जाएगा क्या जगह डी एक्स इक्वल टू ये डी टी है, ये मल्टीप्लाई होगा तो जाएगा टी स्क्वायर अपान टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हम क्या देखते हैं इसको, हम सॉल्व करने के लिए ए स्क्वायर प्लस कर देते हैं, ए स्क्वायर माइनस कर देते हैं, यह हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू डी एक्स, मतलब वन डी एक्स है, जरूरी है सिर्फ डी एक्स नहीं, मतलब वन इंटू डी एक्स है, एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ ऐड कर देंगे टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसे नहीं ऐड कर देंगे जो इच्छा कहेगी, टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको हम काटने के लिए किए, ठीक, क्योंकि जितना ऐड कर रहे हैं उतना हम माइनस कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक ब्रैकेट में कर लीजिए अपान टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी टी माइनस सॉरी प्लस ए स्क्वायर, क्या बचा ए स्क्वायर अपान टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी टी, क्योंकि हम इसका इसका एलसीएम लेंगे फिर हमारा बचेगा टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी टी। तो ये कट गया, ठीक, बचा क्या आपका ए स्क्वायर अपान टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये बचा वन इंटू डी टी प्लस ए स्क्वायर अपान टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी टी किसके इक्वल डी एक्स के इक्वल। इधर नोट कीजिए, हम आगे बताएं, नोट कर लिए, समझ में आया, नोट कर लिए, चलिए इतना हम वैल्यू हटा दें, समझ में आ रहा है बढ़िया से। चलिए अब देखेंगे हमारा फार्मूला बन रहा है, क्या बन रहा है, एक फार्मूला बन रहा है हमारा, ये ए स्क्वायर तुम्हारा हट जाएगा, कांस्टेंट टर्म दिख रहा है, वन अपॉन टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, चूंकि हम जानते हैं, आप लोग जानते हैं, चूंकि इसके आगे से लिखिएगा, चूंकि वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फार्मूला क्या आप लोग पढ़े हैं, वन अपॉन टू ए इंटू लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ये फार्मूला पढ़े हैं लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, तो इसी इसी प्रकार हम वैल्यू रख देंगे। तो
ये क्या है यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यहाँ पर क्या है एक्स जहाँ हमारा टी, तो ये जहाँ क्या हो जाएगा हमारा टी हो जाएगा। चलिए लिख लेते हैं, अब आगे लिखेंगे डी एक्स इक्वल टू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स, क्योंकि वन इंटू डी एक्स होता है वन का क्या लिख सकते हैं एक्स पावर जीरो, किसी भी पावर जीरो होती है तो वन ही आता है डी एक्स, एक्स पावर जीरो क्या होगा एक्स पावर जीरो प्लस वन अपान जीरो प्लस वन अर्थात एक्स पावर वन अपान वन बराबर एक्स आया। ठीक इसी प्रकार करते हैं, तो इसका एक्स प्लस सी इक्वल टू या इसमें जोड़िए चाहे इसमें जोड़िए कोई दिक्कत नहीं, चाहे जहाँ जोड़ो, तो वन इंटू डी टी है, तो इसी प्रकार जैसे एक्स था वन इंटू ये डी एक्स था क्या आया था एक्स आया था, तो वन इंटू डी टी है तो क्या आ जाएगा टी आएगा प्लस ए स्क्वायर, तो हमारा कॉन्स्टेंट टर्म हो जाएगा वन अपान टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसी प्रकार लगेगा, तो इंटू वन अपान टू ए लॉग एक्स जगह क्या लिखेंगे एक्स जगह क्या है यहाँ पर टी, तो टी माइनस ए अपान टी प्लस, किसी कोई दिक्कत, ए से ए के कैंसिल, टी की वैल्यू क्या हम रखे थे टी बराबर कुछ माने थे हम क्या माने थे मिटा तो दिए, टी बराबर माने थे एक्स माइनस वाई, क्या माने थे एक्स माइनस वाई, पुट कर दीजिए ये हो गया एक्स प्लस सी टी जगह क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई प्लस, ये क्या है हमारा ए बाई टू एक तो बचा है लॉग टी जगह क्या लिखेंगे ध्यान समझिएगा टी की जगह हम लिखेंगे एक्स माइनस वाई माइनस ए अपान एक्स माइनस वाई प्लस ए, ये हमारा आंसर है। अब किताब में देख लेते हैं किस प्रकार का आंसर दिया गया है, किताब में भी हमारा दिया गया है y प्लस सी ए बाई टू लॉग, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से, और थोड़ा सा और सॉल्व कर दिया गया मतलब इसको थोड़ा इधर ले आया, तो x प्लस सी है ही इसे इस साइड ले आएंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा प्लस y इक्वल टू ए बाई टू, तो हमारा रहेगा सेम वैल्यू लॉग एक्स माइनस वाई माइनस ए अपान एक्स माइनस वाई प्लस ए। ठीक ये एक्स हमारा जीरो हो गया, ये काटा नहीं जाता एक तरफ करके जीरो कर लीजिएगा, ये हमारा एक्स है ये भी हमारा एक्स है, एक्स एक्स जीरो बचा क्या वाई प्लस सी इक्वल टू ए बाई टू इंटू लॉग एक्स माइनस वाई माइनस ए अपान एक्स माइनस वाई प्लस ए, ये हमारा आंसर मिल गया, नोट कर लीजिए सातवां समझ में आ गया नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं आठवें क्वेश्चन की, नोट कर लिए बहुत बढ़िया, आठवां क्वेश्चन देखेंगे आठवां का पहला क्वेश्चन, आठवां पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है cos x + y dy = dx, वीडियो समझ में आ रहा है अगर अच्छी तरह समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और साथ में लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे, नोटिफिकेशन आपको 100% मिलती रहेगी, साथ ही साथ आप मैथ के साथ साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी मुफ्त में बिल्कुल पढ़ सकते हैं, बढ़िया से पढ़ाई कर सकते हैं क्योंकि मैं डेली वीडियो अपलोड करता हूं। फिजिक्स में इसमें हमने स्टार्ट किया थर्ड पेपर हमारा चल रहा है, और केमिस्ट्री जो हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो चलिए यहां पर देखते हैं cos x + y dy = dx इसके बारे में सॉल्यूशन लिखेंगे, अगर हम cos x + y वैल्यू निकालें ये क्या हो जाएगा dx / dy, dy इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लीजिए। ठीक अब हम क्या करेंगे लेट x + y इक्वल टू वी मान लेते कुछ भी मान लीजिए टी मान लीजिए कुछ भी मान चाहे जो मान, तो हमें क्या वैल्यू निकाली डी एक्स अपान डी वाई, तो हम एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट क्यों हमें नीचे डी वाई लिखा है तो डी वाई के रिस्पेक्ट में किया गया तो वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा डी एक्स अपान डी वाई प्लस वाई के रिस्पेक्ट में वन इक्वल टू डी वी अपान डी वाई, यहाँ से क्या वैल्यू मिली डी एक्स अपान डी वाई की डी वी अपान डी वाई माइनस ये हमारी वैल्यू मिल गई। अब ये वैल्यू हम ले जाकर पुट कर देंगे कहां पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ले देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट जैसे बता रहे हैं ऐसे लिखना आपको पेपर में भी, तो x + y = v हमने माना था तो लिख दीजिए cos v = dx / dy जगह क्या लिखेंगे dv / dy माइनस, या फिर dv / dy माइनस 1 का अगर वैल्यू निकालें डी वाई की तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा क्या हो जाएगा कॉस वी प्लस,
किसी कोई प्रॉब्लम cos v प्लस। अब देख लेते हैं v का टर्म एक तरफ कर लेंगे, ये y, y का टर्म एक तरफ कर देंगे, ठीक। v का टर्म एक तरफ कर लीजिए, v वाला इधर नीचे चला जाएगा, y वाला इधर आ जाएगा, तो मतलब dy इक्वल टू क्या हो जाएगा, dv अपान ये cos v प्लस, ठीक, dy इक्वल टू इतना आ गया। अब हम जानते हैं cos v को अगर हम 1 हटाना चाहें तो cos 2a का मान क्या होता है, cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, अगर cos के टर्म में लिखना चाहें तभी तो कटेगा, ये माइनस होगा ये प्लस होगा, अगर यहाँ से 2 हटा देते हैं तो यहाँ पर a by 2 हो जाता है, तो वही वैल्यू रख देंगे cos v की जगह, अगर यहाँ पर हम v रख दें यहाँ पर हटा के अब v हो जाएगा, ठीक, तो उसी वैल्यू रख देंगे हो जाएगा ये dv अपान cos v जगह क्या रखेंगे 2 cos स्क्वायर v माइनस 1, अगर यहाँ पर माइनस वन होता तो हम वन माइनस टू साइन स्क्वायर वी बाई टू लिख देते, क्योंकि हमें वन को रिमूव करना है यहाँ से ताकि हम सिंपल आसान कर सकें, और प्लस वन, ठीक, यहाँ तक समझ में आया। चलिए ये वन से वन कटा आ क्या गया, ये टू कॉस स्क्वायर वी क्या हो जाएगा, वन बाई टू तो रहेगा ही, कॉस स्क्वायर वी वन अपान कॉस स्क्वायर वी क्या होता है सेक स्क्वायर वी, हो गया सेक स्क्वायर वी, सॉरी v बाई टू रहता है, v बाई टू, क्लियर, ये dy इक्वल टू आ गया हाफ sec स्क्वायर v बाई टू dy। किसी कोई प्रॉब्लम? अब अगर हम मान लें यहां पर ध्यान दीजिएगा, मान लें v बाई टू, वैसे हम डायरेक्ट कर देते बट अगर आप लोग न समझ पाए हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, तो v बाई टू मान लेते हैं, लेट v by 2 equal to t मान लीजिए, जब v by 2 क्या मान लेंगे t मान लेंगे, तो हम कर सकते हैं half तो बाहर हो जाएगा हमारा, v का होता है dv equal to dt, तो क्योंकि ये dv upon dt होता है, इसका 1 होता तो dt जाकर उधर मल्टीप्लाई हो गया, तो dv वैल्यू अगर हम निकाले यहां से 2dt हो गया, dv जगह 2dt रखेंगे, हमारा क्या मिला dy equal to, ये इक्वेशन नंबर सेकंड बना लीजिए ताकि आप लिख के जान सकें, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, डी वाई इक्वल टू हाफ तो है ही हमारा सेक स्क्वायर वी वाई टू जगह क्या लिखे थे टी इंटू डी टी, डी वी जगह क्या लिखे हैं डी टू डी टी इंटू टू डी टी, टू से टू कटा, ये क्या आ गया हमारा सेक स्क्वायर टी डी टी, नोट कीजिए, इतना नोट कर लिए, चलिए मिटा दें इतना, समझ में आ रहा है आप लोगों को, वैसे बहुत सिंपल है, ठीक, तो यहां पर क्या हो जाएगा dv इक्वल टू dy इक्वल टू sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या होता है dy मतलब y हो जाएगा y इक्वल टू, क्योंकि 1 इंटू dy होता है 1 इंटू dy, 1 का dy के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा हमारा y, तो y इक्वल टू अभी अभी हमने दिखा जैसे x पावर जीरो हुआ था वैसे भी y पावर जीरो हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा sec स्क्वायर t है, sec स्क्वायर t क्या होता है tan t, यहाँ पर लिख देंगे tan t, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ही तो होता है, प्लस कोई कांस्टेंट टर्म जोड़ दीजिए, y इक्वल टू tan t में लोग क्या रखे थे v v by 2 प्लस t, और v बराबर क्या माने थे t का मान भी तो रखेंगे, तो v बराबर माने थे x plus y रख दीजिए, y बराबर आ गया tan 1 बटे 2 x plus y plus, नोट करेंगे, यही आपका आंसर है, बहुत सिंपल था आठवें का पहला भी, बहुत 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 बढ़िया सिंपल था। चलिए अब हम लगाते हैं आठवें का दूसरा सवाल, इतना आ गया, चलिए आठवें का दूसरा देखेंगे, देख सकते हैं आठवें का पहला जैसे था सेम टू सेम आठवें का दूसरा है, बस इतना अंतर यहाँ पर dy था यहाँ पर dx था, तो हम इसे थोड़ा सा अंतर कर दिया गया, यहाँ पर dx कर दिया गया यहाँ पर dy, ठीक, इसको तो कर ही सकते हो बढ़िया से कर लिए, अब हम करें, चलिए बस आप लोग अपने मन जरूर ट्राई किया कीजिए, ये cos x plus y equal to dy by dx हो जाएगा, अब देखने यहाँ पर cos x plus y क्या मान लें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लीजिए, सेम उसी प्रकार करना है आपको, x plus y equal to v मान लो, कुछ भी मान सकते हैं, v मान लेते हैं,
हमारा नाम भी इसी से चालू होता है, इसलिए मान लेते हैं, अच्छा लगता है ना। चलिए x प्लस वाई इक्वल टू बी, हम x प्लस वाई, अब देखिए किसके रिस्पॉन्ड करेंगे, x के रिस्पॉन्ड, क्यों, क्योंकि हमें dy बाई dx प्राप्त करना है। x के रिस्पॉन्ड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा dv बाई dx होगा, ये dy बाई dx हो जाएगा। अब हम यहाँ dy बाई dx का मान अगर निकालना चाहें, dy बाई dx इक्वल टू ये क्या हो जाएगा dv बाई dx माइनस, अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट देख लेंगे, कास वी हो जाएगा इक्वल टू डी वाई बाई डी एस क्या हो जाएगा डी वी बाई डी एस माइनस वन, ये इधर चला गया क्या हो जाएगा कॉस वी प्लस वन इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। ठीक, आगे देखते हैं, फिर कास वी प्लस वन है, अब वी का टर्म एक तरफ कर लीजिए, यक्स इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा डी वी अपान कास वी प्लस वन। ठीक, उसी प्रकार इसको भी तोड़ लेंगे, डी वी अपान कास वी क्या होता है टू कास स्क्वायर वी बाय टू माइनस वन प्लस वन, प्लस वन तो है ही, ये कट के जीरो हो गया, तो वन बाय टू रहेगा, ये वन अपान कास स्क्वायर वी बाय टू ऊपर चला जाएगा क्या हो जाएगा सिक स्क्वायर वी बाय टू, ये डी एक्स इक्वल टू, यहाँ लेट कर लीजिए, इसे लेट कर लेंगे तो क्या लेट करेंगे वी बाय टू इक्वल टू टी, जब वी बाय टू मानेंगे टी तो हाफ तो रहेगा ही, डी वी इक्वल टू डी टी, यहाँ पर क्या हो जाएगा डी वी बराबर निकालेंगे तो टू डी टी। ठीक, डी वी इक्वल टू टू डी टी, अब डी वी जो हम क्या रखेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड बना लिए, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो सेकंड में रख देंगे डी एक्स इक्वल टू क्या मिला हमको डी एक्स इक्वल टू हाफ सेक स्क्वायर वी बाय टू, सेक स्क्वायर वी बाय टू, वी बाय टू चेंज क्या रखें टी, सेक स्क्वायर टी डी वी, डी वी जो है टू डी टी इंटू टू डी टी, टू से टू कैंसिल, ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी, ये डी एक्स हो गया, डी एक्स का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करेंगे एक्स आता है कोई कांस्टेंट टर्म जोड़ दीजिए, सेक स्क्वायर क्या होता है टेन टी इंटू टेन टी बस, तो एक्स प्लस सी इक्वल टू टेन टी जगह क्या माने वी बाई टू, वी बाई टू, तो क्या आ गया एक्स प्लस सी इक्वल टू वी को क्या माने हम, वी को हम माने थे एक्स प्लस वाई, देख लीजिए वी बराबर एक्स प्लस वाई रख देंगे टेन एक्स प्लस वाई बाई टू, ये आपका आंसर आ गया, सी इधर जुड़िए या फिर इधर जुड़िए कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लीजिए, नोट कर लिए। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे, हमारा क्वेश्चन अभी बचा है 8 के बाद 9 10 और 11, बस 9 में 2 है 10 में 2 है 11, मतलब 5 क्वेश्चन और बचे हैं, 5 क्वेश्चन अगली वीडियो में आराम से हो जाएंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग बढ़िया से पढ़ाई कीजिए और बढ़िया से रिवीजन कीजिए।